चलो देखो मैं कराता हूँ, बोर्ड पे देखो मैं जो बनाऊंगा वही बना लेना। क्वेश्चन मैंने मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाया है कि एक गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, यू वेलोसिटी से, राइट, इनिशियल वेलोसिटी यू। अच्छा देखो ये केस कुछ ऐसा है, मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ या तुम लोग अपने घर के बाहर खड़े हो, एक गाड़ी कुछ दूर से चलती हुई आ रही है, उसकी कुछ स्पीड है, कुछ ना कुछ तो होगी जब आपके घर से गुजरेगी, जीरो तो नहीं है। मान लेते हैं ये स्पीड उसकी 40 है, दिस 40 इज़ यू। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इस वक्त, तो इस ग्राफ पे नीचे मैं ले रहा हूँ इस एक्सिस पे टाइम एक्सिस, और ये एक्सिस मेरे लिए है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो जब मेरे घर से गुजरा तो मैंने स्टॉपवॉच ऑन कर दिया कि 0 सेकंड यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, दिस टाइम इज़ 0 सेकंड। तो ये बताइए 0 सेकंड पे स्पीड है गाड़ी में कि नहीं है, कुछ ना कुछ स्पीड है ना, जब वो मेरे घर से गया 40 की स्पीड मैंने माना, तो मान लेते हैं वेलोसिटी एक्सिस पे 40 यहाँ पे आएगा, सो दिस इज़ यू। धीरे धीरे गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट का मतलब होता है आप लोग जब बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं ना, ऐसा करने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है कि घटती है, बढ़ रही होती है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट की वेलोसिटी को, इस पे जो वेलोसिटी आ रहा है मैं इसको फाइनल वेलोसिटी वी मान लेता हूँ। और इतनी वेलोसिटी गाड़ी जो है कितने टाइम में करी ट्रैवल, तो टी टाइम में इसने ट्रैवल किया। सो दिस इज़ द ग्राफ जो हमें सॉल्व करना है, ग्राफ समझ आ गया। जीरो टाइम पे गाड़ी जब मेरे घर से गुजरी है तो उसकी स्पीड यू था, यू वॉज 40 अकॉर्डिंग टू मी 40। थोड़ी टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी गाड़ी एक्सेलरेट करती गई, मतलब अपनी स्पीड को लगातार बढ़ा रही है, और बढ़ते बढ़ते उसकी फाइनल स्पीड कहाँ पहुँच गया, वी पर पहुँच गया। ड्रॉ दिस ग्राफ, उसके बाद मैं डिराइव कराता हूँ। मैं दिख रहा हूँ कितना कितना, ठीक है कितना चलेगा, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है देखना, अभी दिख तो जाएगा ना, ऐसे में भी दिख रहा है, नोट हो गया ग्राफ। चलो देखो पहले देखो मैं मोशन के तीन इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कि क्या मुझे डिराइव करना है। मोशन की तीन इक्वेशन होती है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट यहाँ करूँगी, यहाँ पे फिर से आ रहा है ये चीज़, सेम सिलेबस है, 9th में जो था वही 11th में भी आएगा। और तीसरा ग्राफ, तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। तो इसको यूज़ करते हैं, जरा इस ग्राफ पे आ जाओ। तो मैं पहले ये निकाल रहा हूँ, पहला इक्वेशन देखो उसमें क्या क्या आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ पहले, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये पिछली कुछ क्लासेस में हुआ है, तो जो पहली क्लास है जिनकी वो याद कर लो अभी के लिए फिलहाल, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज अपॉन में टाइम का चेंज, ठीक है। स्पीड का चेंज ऊपर आएगा और नीचे टाइम का चेंज। जैसे गाड़ी 40 स्पीड से मान लीजिए 80 स्पीड पे चली गई, तो मेरे को क्या करना चाहिए चेंज में, 80 माइनस 40, और ऐसा उसने 2 सेकंड में कर लिया तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऊपर आ गया 40 अपॉन 2, यानी कि एक्सेलरेशन उसने कितने का किया, 20 का उसने एक्सेलरेशन किया है, ठीक है। ऐसे करते हैं, सो नाउ चेंज इन वेलोसिटी बताना, फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो माइनस यू अपॉन में फाइनल टाइम कितना है, और इनिशियल टाइम कितना था, इस साइड में एक्सेलरेशन ए, सो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी जरा इधर भेजना मल्टीप्लाई में क्या होगा ए टी, एंड दैट साइड क्या बचा वी माइनस यू, सो व्हाट इज वी, माइनस यू इधर आके प्लस यू हो जाएगा, तो यू प्लस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव है ना, डेरिवेशन ईजी। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 चीज़ पूछेगा, इन 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन डिराइव करनी पड़ती है 3 मार्क्स में, 1.5 मार्क्स का होता है, 1.5 1.5 ईच। तो इजी है, या तो ग्राफिकल मेथड से करना होगा, तो ग्राफिकल मैं करा रहा हूँ अभी, इसके बाद फिर मैं कैलकुलस कराऊंगा, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाया था उसका यूज़ होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं फिर से सिखा दूंगा, तो वो भी करेंगे, फिलहाल हम ग्राफिकल कर रहे हैं। नोट कीजिए, पहला इक्वेशन डिराइव हो चुका है, देन वी विल डिवाइस, हम डिराइव करेंगे सेकेंड वाला।
ये तीनों गायब हो गए, क्या नाम था इनका? बायो की भी क्लास थी, मेघा, एक और है कोई, खुशी। बायो वाली मैम की क्लास 2 बजे से है, आप भी हैं ना उसमें? ये दोनों तो गायब हैं। लक्ष्मी मैम, हो गया बच्चों, सेकंड करते हैं अब। अक्षय, तुम आगे बैठना चाहते हो? तो मोबाइल फ़ोन रख दो, नहीं तो छीन लूँगा, किराए पे लगा दूँगा, जेब में रख लो। हो गया, देखो सेकंड मिटा देंगे वाला, सेकंड अब यूज़ करते हैं। नंबर 2 वाला जरा इक्वेशन देखिए, इसमें आ रहा है एस, एस फोर होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो अभी एक चीज़ याद रखना आप फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट क्या निकलता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, वी टी कर्व। ये ग्राफ वी टी है या वेलोसिटी और टाइम बनाया गया है। जब भी कोई ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का हो क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आप उस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मेरा कर्व कौन सा है, ये वाला है ना, ये लाइन, ये हमारा कर्व है, मतलब ग्राफ है। इसके नीचे जो भी आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये सारा एरिया निकलने के बाद क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, जो भी आएगा वही डिस्प्लेसमेंट है। मान लो एरिया आया 20, तो डिस्प्लेसमेंट 20, एरिया आया 40, तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। अंडरस्टैंड? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर वी टी कर्व। ये शेप कैसा दिख रहा है आपको? इसमें दो साइड तो पैरेलल है और ये दो साइड पैरेलल नहीं है। इट्स लाइक अ ट्रेपीजियम, ऐसा होता है ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम में देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है और ये दोनों पैरेलल नहीं होती है। हालांकि इसमें इधर वाले को काट दिया और ऐसा लाइन खींच दिया है, तो ट्रेपीजियम ही ना, ट्रेपीजियम पे चेंज नहीं आएगा। तो एरिया का नाम हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। किसी को याद है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला? बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट होता है। हाइट मतलब दोनों के बीच का गैप। तो हाफ पैरेलल साइड बताइए कौन सा है, ये और ये, राइट? अच्छा, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता वैल्यू में, तो मैं क्या बोलता? इसकी वैल्यू कितनी आती? 5 ही ना बोलते। तो अगर यहाँ u लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या बोलोगे इस वक्त? u बोलोगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में आ गया u प्लस, ये वाला बताओ तो, वी, यू प्लस वी मल्टीप्लाई में क्या है? हाइट। हाइट मतलब ये गैप। 0 से t में कितना गैप हुआ? ठीक है, गैप हुआ ऑफकोर्स, इतना ठीक। चलो, पहली इक्वेशन जो मैंने अभी डिराइव कराई थी, उसमें क्या निकाला हमने? पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं क्या v की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? तो यस, कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, पुट करना बच्चों, आप लोग करो इतने आगे थोड़ा सा। v की जगह पर ये पुट कर देना, u प्लस ए टी पुट करो ज़रा।
कर दिया पुट। S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस, देखिए V की जगह मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, U प्लस AT, बाहर में किससे मल्टीप्लाई है, T से। चलिए सॉल्व करते हैं, U प्लस U कितना U हो गया, 2U हो गया, प्लस में AT और बाहर है T, मल्टीप्लाई कर दो इसका T का अंदर, तो 2U से मल्टीप्लाई होगा T, तो क्या मिला 2UT, AT से T मल्टीप्लाई हुआ तो AT स्क्वायर। अब हाफ का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2UT के साथ जब हाफ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी तो होगा हाफ AT स्क्वायर, 2 से तो कट गया 2, इधर बच गया प्लस, इधर बच गया हाफ AT स्क्वायर। दिस इज S, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव, समझ आया। सो इस तरीके से करना है एरिया अंडर VT कर्व करके। उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या नंदिनी की? अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल गई थी आज, बहुत बीमार रहती है। शुरू से ही है लव ऐसा, बचपन से ही है। क्या होता है, कैसा रीजन? डिलीवरी हाँ 7 महीने पे होता है, वैसे 7 महीने पे अगर कोई हुआ है तो उसको लाइफ टाइम बीमारियाँ रहती है, होता है होता है होता है। 7 मंथ वाले बेबी को निमोनिया तो सबसे सांस करके होता है। हो गया जी सेकंड। अब थर्ड करते हैं, थर्ड इक्वेशन में भी देखो S आ रहा है, और अगर S आ रहा है तो मुझे सेम प्रोसेस लेना पड़ेगा एरिया वाला। तो उतार चुके हैं आप लोग, इसे मिटा दूं? देखो आप बस यहाँ पे एक काम करो, इतना तो करना ही करना है। पहले मैंने क्या किया था, V की जगह पर पुट किया था U प्लस AT, आप इस वक्त पहले इक्वेशन से T की वैल्यू पुट करो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू U प्लस AT है ना, तो V इक्वल टू U प्लस AT में से आप निकाल लो T कितना होगा, तो V माइनस U बराबर AT, सो व्हाट इज T, ये पुट कर दो T की जगह पर। तो मैं इसकी जगह यहाँ रखता हूँ, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V को V प्लस U लिख दूँ, फर्क पड़ेगा क्या, 2+4 और 4+2 सेम ही चीज़ है, तो V प्लस U लिख देते हैं। टाइम की जगह पर लिख लो क्या, V माइनस U अपॉन A। आ गया समझ में, कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आया ये, फ्रॉम फर्स्ट, T बराबर V माइनस U अपॉन A। सो नाउ अब यहाँ एक आइडेंटिटी है, चंचल बताओ, कंचन बताओ, वेरी गुड, A प्लस बी माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A अपना इस वक्त V है, तो A स्क्वायर मतलब V स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब U स्क्वायर अपॉन में 2 और A लिखा है तो 2A लिख दो, इस साइड में है S, 2A को भेजो तो क्या बन गया, बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, चेक करो। सो इस तरीके से तीनों इक्वेशन डिराइव करनी है। सो 1.5 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं, नहीं ठीक ही है ना, निकाल लेंगे आपको एग्जाम में, बहुत इजी है, 2 आएगा ही आएगा कोई सा। के बाद न्यूमेरिकल कराया था,
अक्षय का फोन था ना, लाओ फोन दो इधर अक्षय। लाओ दे दो, इधर दे दो, आज तो स्पून लाओ उधर पीछे पीछे तुम्हारे पीछे दे दो। नेट ऑफ कर रहे हो, मैसेज नहीं देखेंगे, लाओ। फोन होती है डिस्टरबेंस, पढ़ाई टाइम पे दूर रखा करो। लाओ इधर आशुतोष, मुझे दे दो, इससे पास रहेगा तो ये बार बार देखेगा। लाओ ना, दे दो, साइड में रख दूंगा मैं, बाद में ले लेना। लाओ इधर दो, जल्दी दो, लाओ जाते टाइम ले लेना। हाँ अभी क्लास पे ध्यान दो, हो गया है सारा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक ए कार एक्सेलरेट, लिखो अक्षय, ए कार एक्सेलरेट, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। आई रिपीट, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन निकालना है, सेकेंड पार्ट डिस्टेंस कवर्ड, पार्ट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, इन दैट टाइम। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश करो, इन्हीं तीन इक्वेशन से होगा। क्या क्या डेटा दिया है, क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ पे सोचो कि तीन में से क्या यूज करना चाहिए, करिए ट्राई।